तो मेरे तो गुरु मधुसूदन प्रभु है, और दिल्ली में मैं सीखा हूँ, और फिर बम्बई में मैंने सोचा कि चलो बम्बई में शुरू किया जाए पुस्तक वितरण। तो एक बार मैं ट्रैफिक सिग्नल में था, तो एक माता जी थी, उनके ज़्यादातर हम लोग देखते हैं, जैसे बताया कि राइपन फ्रूट देखना है, तो हम लोग जो है गाड़ी का जो स्टेयरिंग है उसको देखते हैं। अगर वो खाली है तो समझ जाते ये निरंकारी है, अगर उसमें से मुसलमान का है तो समझ जाते ये मुल्ला है, तो उसको हम साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन और ऐसी किताब देती है। और जो गुरु का फोटो रखा है तो हम समझ जाते हैं इसको गुरु परंपरा में जोड़ा जा सकता है। तो एक माता जी ने रविशंकर का फोटो लगा के रखा था, तो मैं गया उनके पास और मैं बोला माता जी ये है बुक्स है, तो उन्होंने, मैं इतना आश्चर्य हो गया कि उन्होंने कहा आपके पास कितनी बुक्स है अभी, तो बोला मेरे पास अभी तो फिलहाल है 50-55। बोलते सारी किताबें रख दो, क्योंकि रविशंकर महाराज जी ने कहा है अगर गुरु को प्रेम करना है, गुरु की निष्ठा जाननी है, तो आपको इस्कॉन की भगवद गीता पढ़नी चाहिए। तो ये जब मेरे साथ हुआ तो मुझे बहुत आश्चर्यजनक हुआ कि इस तरह हमारे जो जो गौरांग प्रभु ने बताया कि इस्कॉन से लोग ज़्यादा ले रहे हैं ये सब तत्व, तो ये बहुत मुझे अच्छा लगा। और पुस्तक वितरण जो अभी प्रभु जी ने कहा कि उसके लिए आग चाहिए, जो आग हमेशा लगनी चाहिए, तो एक बार मैं मायापुर में था तो भक्ति पुरुषोत्तम महाराज बता रहे थे कि आध्यात्मिक जगत में हालांकि वह पूर्ण है, लेकिन वहाँ पे भी आपको एक आनंद की कमी महसूस होगी, वो होगी पुस्तक वितरण। पुस्तक वितरण का आनंद जो है आपको, ये भक्ति पुरुषोत्तम महाराज ने कहा था कि आध्यात्मिक जगत में भी आपको नहीं, वो नहीं मिल सकता, उसके लिए आपको यहाँ पे आना ही पड़ेगा। तो यह है, प्रभुपाद जी ने भी इस पे बहुत जोर दिया है, लेकिन इस सेमिनार से मुझे ये जब यही सेमिनार तिरुपति में हुआ था तब मैं गया था, तो उन्होंने बताया था कि हमें जो है ये रेज, हाथ का जो है रेज, इससे बहुत बेनिफिट होता है। तो मैंने ये शुरू किया ऐसे करना, तो उससे मैंने देखा कि पुस्तक वितरण में बहुत लाभ भी मिला, और लोग जो है बहुत फ्रेंडली रिलेशन भी बनाने लगते हैं। तो ये कुछ हमारे एक रियलाइजेशन है पुस्तक वितरण के बारे में, लेकिन इससे सुनने से अच्छा है कि यदि हम लोग खुद आए और उसको करें, जैसे प्रभु जी ने कहा कि महीने में एक बार, फिर धीरे धीरे हफ्ते में एक बार, और फिर वो रोज, तो उसी तरह हम जो है अब ऐसा हो चुका है कि हम पुस्तक वितरण के बगैर हम रह ही नहीं सकते। कहीं भी जाएंगे तो हमको बुक्स चाहिए चाहिए, बुक्स के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। तो इसीलिए ये पुस्तक वितरण जो है वो तो खून है भक्तों के लिए और इस्कॉन के लिए। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। हरे कृष्णा।